देखिए, बात यह है कि हमारा मानना है कि जो नॉमिनेशन के दावे किए जा रहे थे कि लोगों को नॉमिनेट कराया जाएगा, 5 बीजेपी के लोगों को और 5 बीजेपी के विधायक बन जाएंगे, 90 का चुनाव हुआ और 95 पे वोटिंग होगी, उससे मेजोरिटी तय होगी, और ये प्रक्रिया जो है वो गलत थी। हमने इस बात पे चर्चा की और मैंने अपनी तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली कि ताकि ये फैसला आए कि किसको ये इख्तियार है और कैसे करना चाहिए, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या जो चुनी हुई सरकार है उसको बाईपास करके करने का अधिकार है, जेएनके गवर्नमेंट की चुनी हुई सरकार की एड एंड एडवाइस से करना चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पे करना चाहिए, और क्या ये जायज है, क्योंकि 114 की असेंबली है और 119 को की असेंबली हो जाएगी। तो इसलिए हमने उस प्रक्रिया को चुनौती दी थी, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हमको कहा है कि जेएनके हाई कोर्ट में अप्रोच करो। उन्होंने हमारी प्ली को डिसमिस नहीं किया और ये भी कहा कि भाई हम अगर आप हमारी ऑब्जर्वेशन जो है ये फाइंडिंग नहीं होगी मेरिट ऑफ द केस पे, और ये भी कहा कि अगर कहीं वो कर देते हैं सरकार तो आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो ये मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद ही हूँ, ये एक एनकरेजिंग ऑर्डर है कि उन्होंने हमारी प्ली को डिसमिस नहीं किया, सुना और कहा कि पहले हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर का इस पे फैसला करें। तो हम हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर में जाएंगे, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंस का मामला है, पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला है, जनता के इंटरेस्ट इसमें जुड़े हैं, कानूनी इम्पोर्टेंस का मामला है, इसलिए वी शैल अप्रोच द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर।